कहते हैं कि जोन से कैफे में हम जा रहे हैं ना अभी, यहाँ पर शाहरुख खान आता था फ्रीक्वेंटली फेमस होने से पहले, जब वो जामिया में पढ़ता था। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ तफरी करने के लिए। तफरी का जिसको नहीं मतलब पता, मुझे भी नहीं पता मतलब एग्जैक्टली, पर इसको ये कहते हैं वैसे ही। यहाँ आवारागर्दी करने जा रहा हूँ मैं कनॉट प्लेस, तो जाएंगे वहाँ पर कनॉट प्लेस, कुछ बढ़िया सा खाएंगे, घूमेंगे और वापस आएंगे, कुछ बढ़िया सा वहाँ पर ढूंढेंगे और फिर खाएंगे। तो चलो चलते हैं सीपी। ज़्यादा ठंड सी है पड़ रही है ना कनॉट प्लेस में, 43-44 डिग्री टेम्परेचर होगा। पता नहीं मैं किस लालच में आ गया यहाँ पर आ गया। चलो कोई बात नहीं, कहीं जगह जाके बैठेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर जाएंगे घर। भाई मैं तो खाने वास्ते आया, वरना नहीं मैंने आना था, खाने वास्ते खाने के लिए आया। तो चलते हैं। पता नहीं कहाँ जाके है भाई, जहाँ हम खाना खाने जा रहे हैं। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी है, पर मिल भी नहीं रहा वो, शायद अभी ये नेक्स्ट टर्न से मुड़ना है। कहते हैं कि जोन से कैफ़े में हम जा रहे हैं ना अभी, यहाँ पर शाहरुख खान आता था फ्रीक्वेंटली फेमस होने से पहले, जब वो जामिया में पढ़ता था। तो ऐसा कहते हैं, मुझे भी नहीं पता भाई। तो कहते हैं कि शाहरुख खान यहाँ फ्रीक्वेंटली आता था, तो यहाँ आने के बाद वो भी स्टार बन गया, तो शायद मैं भी बन जाऊँ, तो इसलिए जा रहा हूँ वहाँ पे गुट्टी लेने उनसे। जनपद की मार्केट में से निकल के आएगा, कहीं रेडी वेडी में तो नहीं पीता था कहीं शाहरुख खान कॉफ़ी? यहाँ कहाँ आएगा कोई कैफे वैफे, चलो तो देखते हैं। पहले मुझे लगा था कि कोई कैफे वगैरह होगा, पर ये कॉफ़ी शॉप है और इस तरह देते हैं कॉफ़ी बॉटल्स में। यहाँ आता था शाहरुख खान, वे बहुत गरीब था अपने टाइम पे शाहरुख खान। मोमोज भी लिए हैं शाहरुख खान वाले, ये मोमोज भी शाहरुख खान खाता था पहले। नहीं, कटलेट और ये कॉफ़ी फेमस है शाहरुख खान के नाम पे, तो पर ये खाते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा मस्त जगह थी ये, डिपॉल्स नाम है इसका, जनपद मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच है। और यहाँ पर फेमस इसका ये है कि शाहरुख खान आता था पहले, फेमस होने से पहले। पर अगर देखा जाए कि कॉफ़ी में मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है, 10-12 वैरायटीज़ है, और प्लास्टिक की बॉटल में देते हैं, हम लेके भी जा सकते हैं, और प्राइस बहुत रीज़नेबल है। मोमोज बहुत एवरेज लगे, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, मज़ा आ गया, मतलब वर्थ इट था यहाँ आना, मज़ा आ गया। मस्त खाना खाने के बाद अब घूम रहे हैं यहाँ पर। ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हम कोई कौन सी मार्केट घूम रहे हैं, बस जिस मार्केट में छाए हैं उस मार्केट में घूम रहे हैं फिलहाल। तो ये वो उसकी चप्पल है जिसकी घर वाले कहते हैं ना हाथी के पैर में सबका पैर, ये वो वाली चप्पल है, मस्त थी। खड़ी हो जा बहन, बैठी क्यों है, इतना भी आलस हो गया? अच्छा है ये इतनी सी। सो गाइज, अपन घर तो आ ही चुका है और अपन बहुत ज़्यादा थक ही चुका है, क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया था आज, ऐसा नहीं कहूँगा कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, वही मौसम बढ़िया के चलते आज काफ़ी घूम लिया मैं, और ऐसा कुछ खाना वगैरह नहीं खाया, पर जो थोड़ा बहुत खाया ना उससे भी बहुत पेट भर गया था, और बहुत मज़ा आया, बहुत वैरायटी ऑफ चीज़ें खाई आज, और कुछ दिखाया ब्लॉग में कुछ नहीं दिखाया, बहुत मज़ा आया आज। और एक दो इंटरेस्टिंग जगह में भी गया था, वो आपको शॉर्ट ब्लॉग्स में दिखेगा थोड़े आने वाले दिनों में, मतलब मैं गया था वहाँ पर मैंगो फेस्टिवल में, वो आपको वहाँ वो शॉर्ट ब्लॉग में दिखेगा। फिलहाल तो अभी थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर जाऊँगा वॉक करने के लिए। शॉपिंग करने आ गया हूँ मैं, ढेर सारी शॉपिंग करने के लिए, मंगल बाज़ार मेरे घर के पास ही लगता है ना, यहाँ आया हूँ। दो फुट मैट लिया भाई घर के लिए, यहाँ के लिए नहीं, मोहाली के लिए मम्मी ने मंगाए थे। अब कुछ फ्रूट्स लेने हैं, फ्रूट्स वो लेके घर चलते हैं। सो आम भी ले लिए, दिशहरी लिए हैं 2 किलो, क्योंकि अभी कुछ दिन हैं मैं मोहाली जाने से पहले, और 2 मैट ले लिए। और मौसम देखो भाई साहब, पिछले ना
यूज वाले मार्केट में भी बारिश आ गई थी, तो मेरा मैट पिछले मार्केट लेना था पर ले नहीं पाया। इस बार बारिश होने से पहले ही अपन आ गया, समझदारी दिखाई इस बार तो मैंने, राजा साहब को शगुन पड़ना चाहिए इस बात पे। सो गाइस अपन वॉक करके तो वापस आ ही चुका है, और बाहर कुत्तों का भौंकना और बच्चों का बोलना बहुत जारी है, जोरों शोरों से बहुत शोर आ रहा है वहाँ से। और अब वक्त आ चुका है, सही वक्त आ चुका है कि इस व्लॉग को एंड कर दिया जाए, क्योंकि अपन तो बहुत ज़्यादा थक चुका है और नींद भी आ रही है, भूख भी लग रही है, सब कुछ एक साथ हो रहा है, इस व्लॉग को एडिट भी करना है। तो चलो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। जल्दी मिलते हैं एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।